यू आर वेलकम, आई एम महेश यादव। गाइज, एक अच्छा रिजल्ट एक अच्छी पढ़ाई का परिणाम होता है और एक अच्छी पढ़ाई एक अच्छी सोच का परिणाम होती है। जी हाँ गाइज, ये मैंने क्या बोला, चलिए समझते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि अगर आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आपको वो कई गुना होकर वापस मिलता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एजुकेशन पे ईमानदारी से इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको कई गुना नहीं, हजारों गुना वापस होकर मिलता है। गाइज, एक अच्छी सोच बनाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, दोनों बातें आपके बहुत काम की हैं और ये आपको फॉलो करनी चाहिए। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन किया है। देखिए, पहली बात है कि बुक्स हमेशा नई परचेज करना, और दूसरी बात है एजुकेशन को कभी फ्री में नहीं लेना। तो देखिए गाइज, पहली बात क्या, जब भी हम नई क्लास में जाएँ तो हमेशा नई बुक्स परचेज करें। नई बुक्स परचेज करना हमारा शौक, हमारी आदत होनी चाहिए। गाइज, अक्सर होता क्या है कि जैसे हम नई क्लास में जाते हैं तो हमारे जो सीनियर भाई बहन या आस पड़ोस में जो लोग उस क्लास को लीव कर चुके होते हैं उनकी बुक्स को ही काम में ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। ये हमारी मानसिकता है। लेकिन गाइज, मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी मानसिकता बदलो और नई बुक्स खरीदने का शौक रखो तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होता है। ये उसी तरह की बात है कि अगर आप नए कपड़े पहनते हैं तो आपको एक गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। उसी तरह से अगर आप नई बुक्स के साथ नई बुक्स पढ़ते हो, नई बुक्स, देखिए नई बुक्स रखने का इनमें एक अजीब सी स्मेल होती है, उसे फील करने का एक अलग ही मज़ा है। गाइज, पुरानी बुक्स के साथ क्या गड़बड़ है, मैं आपको बताऊं। देखिए, पहली बात तो हम ईमानदार नहीं रहे इन्वेस्टमेंट में, दूसरी बात उन बुक्स में बहुत सारी जगह अंडरलाइन होती है, मोस्ट लगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा और ये जो मैटर है यही मोस्टेस्ट पे अंडरलाइन लगी हुई है। फिर गाइस, एक बात बताइए कि जब पूरी साल हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे मोस्ट, हमारे निष्कर्ष कहाँ रहे, हमारा पढ़ने का मजा कहाँ रहा, हमारी उस स्ट्रगल का, हमारे स्ट्रगल का क्या होगा जो हम करने जा रहे हैं, तो उसके निष्कर्ष कहाँ आने वाले हैं। तो गाइज, बुक्स हमेशा नई परचेज करो। और गाइज, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपकी हेल्प के लिए मैन बुक्स के अलावा मार्केट में जो बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज, पास बुक्स, गाइड्स अवेलेबल होती हैं अलग अलग कंपनीज की, आप उन सभी कंपनीज के उन एक्स्ट्रा मटेरियल्स को, एक्स्ट्रा बुक्स को खरीदिए, उन सभी में से पढ़िए। गाइज, सभी में से पढ़ने से क्या होगा कि आप तुलनात्मक तरीके से एक टीचर वाली समझ के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक बेस्ट आंसर तक पहुँचेंगे। तो गाइज, बुक्स खरीदना, नई बुक्स खरीदना कहीं ना कहीं एजुकेशन में एक ईमानदार इन्वेस्टमेंट है। दूसरा मेरा विचार है कि हमें एजुकेशन कभी फ्री में नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ गाइज, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप एक गरीब स्टूडेंट हैं, अगर आपको कोई फ्री में पढ़ाता है तो भी आपको फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ बदले में ज़रूर पे करना चाहिए जितना आप कर सकें। आपको पता होगा कि हमारे देश में गुरु दक्षिणा जैसी एक महान परंपरा शुरू से रही। गाइज, एजुकेशन एक बहुत महान चीज़ है जो हजारों लाखों लोगों के परिश्रम का, अध्ययन का, अनुभव को, अनुभवों का, निष्कर्षों का एक परिणाम है, और हम अगर उसे फ्री में ग्रहण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा। गाइज, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में हालत बहुत ख़राब है। लोगों ने एजुकेशन को एक सब्जी की दुकान बना दिया। वो जगह जगह ट्राई करते हैं कि यहाँ कितनी फ़ीस है, यहाँ इस स्कूल में कितनी फ़ीस है, जहाँ सबसे कम फीस होगी वहाँ बच्चों को भेजते हैं, या फिर ऐसा कोई जैक जुगाड़ लगाते हैं कि उनका बच्चा फ्री पढ़ जाए, कोई रिश्तेदारी का ऐसा टर्म्स निकालेंगे। और गाइज, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो उनके पेरेंट्स ने ऐसे तैसे करके फ्री पढ़वा लिए, लेकिन आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो गाइज, एजुकेशन कभी फ्री में मत लेना, और बुक्स हमेशा नई खरीदना, और नई बुक्स खरीदने का एक शौक रखना, एक आदत रखना। अगर ये दो चीज़ आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी सोच बनेगी और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके।